तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज फिर से होने वाली अनबॉक्सिंग। मेरे दो पार्सल आए हैं फ्लिपकार्ट से। तो एक तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने माउंट मंगाए थे, वो तो आ चुकी है फाइनली किट। और दूसरा एक और पैकेज है, तो वो कैमरे के सामने अनबॉक्स करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि वो क्या है। और बस इतना मैंने, और ये बहुत ही रॉ व्लॉग होने वाला है। मैंने सोचा कि पार्सल आया है, क्यों ना कैमरे के सामने ही अनबॉक्स कर दें और आप लोग को थोड़ा कंटेंट भी है, थोड़ा अलग देखने को मिल जाएगा। प्लस ये है कि आज किट आई गई है, तो उसको अपने हेलमेट में भी आज माउंट करना है। तो बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा। तो बस बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो पहले होगी अनबॉक्सिंग, उसके बाद हम बनाएंगे हेलमेट पर उसका सेटअप। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसी पैकिंग करके दिए ये लोग, तो बोलिए जाए। ये कुछ सामान मिलता है इसके अंदर, ये सारे माउंट्स। कुछ अगर माउंट्स के बारे में बात करूँ तो ये अंडर वाटर वाला माउंट है, हाँ। ये चेस्ट स्ट्रैप है, ये सेल्फी स्टिक, अच्छी खासी लेंथ है इसकी यार। और ये मेरा फेवरेट हेड स्ट्रैप, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोज़ में। वाला है रिस्ट स्ट्रैप, ये किसी भी चीज़ में आप लगा के और यहाँ पे माउंट कर सकते हो। ये एक एक्सटेंडर माउंट है, एक ये लगा है, फिर एक ये लगा है, तो जिस भी शेप में आप कर सकते हो कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को चाहिए थी, ये माउंट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं, ये इसकी बेस प्लेट है, ये देखिए ये लग गया इसमें। और फिर आ जाते हैं इस पर कार वाला माउंट, बहुत सही है यार। ये दिया है, ये बेसिकली दिया है इसकी ग्रिप के लिए, ऐसे चिपका के और आप इसको ये कर दो, ये स्टिक हो जाएगा। और ये इसका मूवेबल, इसको आप यहाँ से टाइट कर सकते हो और जस्ट सिंपली इसमें ऐसे अपना एक्शन कैमरा माउंट कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल। ओके, ये है बाइसाइकिल माउंट, मैं इसको एंटॉक के मिरर्स पे लगा दूंगा। और ये एक छोटा सा पाउच जिसमें एक ये बेस माउंट, एक दो चार बेस माउंट आते हैं इसमें, दो जे माउंट, 3M टेप्स हैं, 10 3M टेप हैं। ये एक ट्राईपॉड माउंट है, ट्राईपॉड पे इसको आप लगा के डायरेक्ट माउंट कर सकते हैं। ये दो ये हैं, एक्स्ट्रा स्क्रूज आते हैं। अब सेकंड वाला अनबॉक्स करते हैं। अब बारी है सेकंड पैकेज की, और अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखा दे, रिसीव करा ये ऐसा ही इतना खुला हुआ था ऊपर से, यहाँ से फटा हुआ था, ये फटा था, यहाँ से फटा हुआ है, ये भी फटा है, ये भी है। ये बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दोपहर में रिसीव करा, और ये ना सोचेगा कि कहीं मेरे से हुआ है। ये मैंने इसको सैनिटाइज़र मार के उसको रख दिया था, कैमरे के सामने ही से अनबॉक्स करेंगे। क्यों, अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो इसको भी खोल लें जल्दी से। फ्लिपकार्ट वालों क्या कर रहे हो जी? हाँ दोस्तों, इसमें है मेरा ट्रैकिंग बैग, नया ट्रैकिंग बैग। पहले जल्दी से इसमें चेक कर लें कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि पैकेजिंग को देख के तो कुछ डर लग रहा था, तो इस वजह से पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो डन विद द क्वालिटी चेक, तो मैं आपको इसकी कुछ स्पेक्स बता देता हूँ। लगेयर कंपनी का है ये, 75 लीटर्स का, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। मैं आगे एक पॉकेट, ये एम्पल ऑफ स्पेस, यहाँ पे सेकंड पॉकेट, ऊपर में एक ये पॉकेट है रेन कवर, तो मैं रेन कवर भी निकाल के दिखा देता हूँ। डाल लेते हैं, और ये अपना रेन कवर, और बताऊँ काफ़ी प्रीमियम रेन कवर लग रहा है, क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ इसकी ब्रांडिंग जो कि एक है रेडियम से, तो ये रात में भी फ्लैश करेगा बहुत बढ़िया, और थिकनेस भी ठीक है, तो इट कैन प्रोटेक्ट योर बैग ईजिली। दो चीज़ों की वजह से मैंने इसको लिया था, एक तो रेन कवर, और सबसे सेकेंड चीज़ आती है इसकी कुशनिंग। लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा मस्त कुशनिंग है इसकी, आप मतलब थिकनेस देख रहे हो आप, कितना सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा कम्फर्टेबल है। ये एक है टाई, जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे पैकिंग, तो इसको जस्ट सिंपली ऐसे टाई कर सकते हो। और स्पेशल थैंक्स टू नितेश भैया, जिन्होंने मेरे को बैग दिया है, तो थैंक यू नितेश भैया इफ़ यू आर वॉचिंग। इसलिए मैंने ये 75 लीटर्स का इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरी एंटॉक पे आराम से पीछे माउंट हो सकता है। तो अब आप समझ रहे हैं, माउंट आ गए हैं, बैग आ गया है, अब आगे की कहानी अब आपको शायद धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो वेट करिएगा व्लॉग्स के लिए। ये अनबॉक्सिंग अब हो चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं हेलमेट पे माउंट करना। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं अपना हेलमेट ले आया हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है वो। ये मेरा हेलमेट है, और ये देखिए, अगर देख रहा हो, ये है थोड़ा पॉइंट, ये थोड़ा शार्प है एजेस की, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे नॉर्मल क्या होता है, कर्व्ड आते हैं। बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें कैसे लगेगा, बिकॉज क्योंकि माउंट होता है थोड़ा फ्लैट बेस, ये है वो माउंट। तो इसलिए मैंने कुछ जुगाड़ सोचा है, और हम इंडिया वाले हैं बाय द वे, तो हम लोग जुगाड़ अपने आप ही निकाल भी लेते हैं। जुगाड़ क्या है, वो टेक्निक क्या है, तो अब वो आप वीडियो में आप आगे देखिएगा, वो मैं सीधा आपको करके दिखाऊंगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और एंगल बदलते हैं, अब आपको दूसरे एंगल से देखने को मिलेगा। तो अब आप बताइएगा कि वो एंगल कैसा है, क्योंकि अब किट आ गए तो अब उसको यूज़ भी करते हैं। तो अब मैं इसका हेड स्ट्रैप यूज़ करने जा रहा हूँ फाइनली पहली बार।
तो इसको मैं अब आपको एक अलग व्यू दिखेगा, तो बताइएगा कि वो व्यू कैसा है। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं माउंट करना। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए बेसिकली चाहिए सबसे पहले एक टेप और पेपर वाली ली है, क्योंकि ये इजीली उतर सकती है। करना क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट वाला इसको साफ कर लें पहले, उसके बाद फिर ये जो टेप है ये हम लोग को जितने पोर्शन में लगाना है उतने में इसको अप्लाई कर देंगे। अभी मैं करता हूँ, करके दिखाता हूँ। कि इस पर टेप क्यों लगी है तो वो थोड़ी देर में आपको अभी पता लगेगा कि ये क्यों लगी है। तो अब बारी है एम सील की, तो यहाँ निकलते हुए मिस्टर ग्रे, मिस्टर ग्रे एंड मिस्टर ब्लैक हम लोग मिक्स कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़, क्योंकि ये होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, तो इस पर थोड़ा ग्रिप बनाने के लिए आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ से इस पर थोड़ा ग्रिप बनाने के लिए आप इस पर थोड़ा वो मार सकते हैं ग्रूव्स। तो मैंने तो ये लिया, अगर आपके पास सैंड पेपर है तो उससे भी सही हो जाएगा। लेकिन अपना ये अब सोल्यूशन रेडी हो चुका है, तो अब इसको मैं इसकी शेप का ले लूँगा। इवनली स्प्रेड करो, तो इसकी शेप का ये ले ले। आप लोग ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल इसकी शेप का आना चाहिए। करना क्या है कि ये चीज़ हमें यहाँ पे लगानी है और अच्छे से प्रेस करनी है, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा लगेगा माउंट होने के बाद। वैसे मैंने तो चेक कर लिया है कि इसके सारे जॉइंट्स प्रॉपर हैं, और सेंटर का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वरना अगर ये सेंटर आउट हो गया तो आपकी जो फुटेज होगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी, वो आउट ऑफ सेंटर आएगी। तो अब जब भी ये सूख जाएगा, एटलीस्ट आप इसको 6 घंटे तो मिनिमम आप इसको दीजिएगा, और धूप हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है धूप में अगर ये सूख जाए। 2000 years later तो अब ये सूख चुका है फाइनली, और सबसे पहले इसको रिमूव करना है पूरा, तो ये बाहर आ जाएगा। तभी आप को मैं करके दिखाता हूँ। तो सोच रहा हूँ कि मैंने बाहर क्यों निकाल दिया इसको, तो अब मैं इसको इस पर चिपकाऊँगा ऐसे। मैं यूज़ करने वाला हूँ ये, अगर फोकस हो रहा होगा तो ये एक्चुअली बॉन्ड है, और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जो फ्लैग्स वगैरह जो होती हैं होल्डिंग्स वगैरह उनको फ्रेम में चिपकाने के लिए। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसने पूरा शेप ले लिया है हेलमेट की। इसलिए एक ज़रूरी बात ध्यान रखें कि इसका सरफेस थोड़ा रफ़ कर दीजिएगा इसलिए, क्योंकि वरना थोड़ा ग्रिप बन जाए जैसा हमने उसमें एम सील वाले में सीन में किया था। बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए मैं हल्का सा पहले इस पर लगा के इसको थोड़ा सा रोकूंगा। तो बहुत ही ध्यान से करिएगा इफ़ अगर आप इनकेस ये यूज़ कर रहे हो तो। इस पर तो मैंने लगा दिया है, देखिएगा थोड़ी देर अभी मैंने पकड़ तो लिया, देखिए बस ये चिपक जाइए। इसे एटलीस्ट 1 मिनट तक आप इसको दबा के ऐसे ही रखिएगा, सही रहेगा ये। तो ये फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है रेडी होके। उठा के भी दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग हो चुका है, पूरा हेलमेट का ये वेट ले लेगा। तो अब चलते हैं मोटो ब्लॉक करने, तो अब आपसे मैं मिलता हूँ। चलते हैं नीचे, तो मैंने माउंट कर लिया है मेरा मोटो वो 2। अपना निकालने का थोड़ा अनोखा स्टाइल अपना दिखाते हैं। वैसे मेरे को अंदाज़ा नहीं है कि अभी कैसा दिख रहा होगा, लेकिन आई होप कि सही हो। रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ रिकॉर्डिंग तो चल गई है। वैसे बाय द वे पूरा सन्नाटा हो चुका है, मैं ज़्यादा दूर जाऊंगा तो नहीं, लेकिन यही है कि इसका ऑडियो भी टेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसका ऑडियो उतना अच्छा आ रहा होगा, तो बताइएगा कि एंगल कैसा आ रहा है यार। आई होप कि एंगल सही आ रहा हो और आवाज़ भी सही आ रही हो। और आगे है सब बंद, और भगा के देखते हैं। फिर चल के बस वीडियो एंड कर दूंगा, तो बताइएगा कि कैसा लगा ये अरेंजमेंट। बाकी मेरी कॉलोनी आ चुकी है, मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था। आपने कुछ शॉट्स देखे और अभी बस मैं इसको रिकॉर्ड करके आया हूँ। तो ये खैर अभी मेरा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है, ये अभी तो फिलहाल इससे काम चलाएंगे, क्योंकि अभी राइड अभी तो खैर नहीं होगी, आने वाले कुछ टाइम बाद राइड हो, क्योंकि जैसा कि इस ब्लॉग के थ्रू आपको
कुछ ना कुछ हिंट तो मिला है, वो आपको धीरे धीरे ब्लॉग्स में पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, और बताइएगा कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग और एक ये छोटा सा मॉडिफिकेशन। दिक्कत ये कि मेरे पास अभी माइक नहीं है, रिस्क फैक्टर ये है कि अभी मेरे को इसको नॉर्मल इसके केस में ऐसे चलाना पड़ रहा है, वरना बाय द वे मेन केस इसका ये है। अगर कहीं राइड करना है तो इसको मैं इसमें यूज़ करूँगा, लेकिन बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि अभी इससे मैं इसके इंटरनल माइक्रोफोन से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल जो भी आपको आवाज़ जो भी आपने इसमें ऑडियो सुनी होगी राइड के टाइम, तो वो तो इसके इंटरनल माइक से ही है, बट लेकिन आगे राइड के लिए मेरे को माइक ख़रीदना है। और तो बस मैं इसको परमानेंट मार्कर से इसको पूरा ब्लैक कर दूंगा, और तो ये पूरा फिर ये इतना ऑड नहीं लगेगा जितना थोड़ा सा अभी लग रहा है। बाकी अब मोटो व्लॉग्स अब अच्छे से आएंगे, और अब क्योंकि ये लग गया तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा मोटो व्लॉग करना। और एक बस माइक का इशू है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, जब मैं ले लूँगा तो वो भी मैं सेटअप कर दूंगा। तो बस मैं कहीं पे भी कुछ भी एक्सप्लोर करूंगा तब आसानी से मैं मोटो व्लॉग कर सकता हूँ। जो भी ब्लॉगर है आप जानते हैं कि अब व्लॉगिंग स्टार्ट करिए तो मोटो व्लॉगिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ भी अब इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो बस कहीं भी एसेसरीज मतलब जितने भी सामान मैंने यूज़ करे हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, तो बताइएगा कैसी लगी, कमेंट करिएगा। और एनर्जी बहुत लो हो चुकी है आज की, क्या काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, दिन भर मतलब काम वाम करा, फिर एंड में शाम में इसका काम मैंने जल्दी से इसका काम निपटाया। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड कॉमेंट योर थाट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ, बाय बाय।